हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 97, हिंदी की वर्कशीट है। ये डेट है 29 अक्टूबर, रिमझिम की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है। फोर्थ क्लास की ये वर्कशीट है और यहाँ पे आपको अपना टीचर का नेम लिखना है। अगर 97 से पहले की वर्कशीट चाहिए आपको तो आप अपनी क्लास की, मेरे चैनल पर आपकी क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहीं पर जाके अपनी सारी वर्कशीट देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वर्कशीट में आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट में देखिए क्या लिखा गया है। प्यारे बच्चों, हमने कविता मन मन के भोले भाले बादल पढ़ी। कविता पढ़ी ना हमने मन के भोले भाले बादल, आपकी हिंदी की बुक की। आइए अब हम इस कविता से कुछ और सीखते हैं। बच्चों, आपने देखा कि कविता की पंक्ति में कुछ मिली जुली आवाज़ वाले शब्द हैं, जैसे भोले सॉरी बालो गालो, लाते जाते, तूफानी शैतानी आदि। कुछ मिले जुले शब्द हैं, मिलते जुलते मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते समान लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं, जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, समान लय वाले होते हैं, मतलब एक जैसे लगते हैं बोलने में लास्ट वाले, उन्हें क्या बोलते हैं, तुकांत शब्द बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए पहला आंसर क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से तुकांत शब्द कविता में से के में दिए गए शब्दों के अलावा सोच कर लिखिए। जो कविता में नहीं है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, शैतानी में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तूफानी। ठीक है, तूफानी तो है आपकी उसमें, तो तूफानी नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, हैरानी। ठीक है बच्चों, हैरानी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, शैतानी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और भी लिख सकते हैं जो भी आपके मन में आए, काले ताले जाले। ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही और भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ जो कि मैंने लिखे हैं इसके अलावा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आंसर की तरफ चलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आंसर है आपको परेशानी और निगरानी और छाले और माले। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया आपका, ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका। कविता के आधार पर सही वाक्यों पर सही गलत वाक्यों पर गलत निशान लगाएं। ठीक है, तो देखिए वाक्य देखते हैं पहले का। बादल सबका कहना मानते हैं। क्या बादल कभी किसी का कहना मानते हैं, वो तो अपनी मर्जी चलते हैं, कि जब मन करता है बरसे, जब मन करता है बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस। नेक्स्ट लिखा है बादल मोर के पंख लगाए हुए। बादल के मोर के पंख लगाए हुए नहीं, बादल ने किसके पंख लगाए, परी के। बादल झरझर पानी बरसाते हैं, बादल पानी बरसाते हैं सही है। बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं, यस बिल्कुल बादल जिद्दी बन जाते हैं। चलिए ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पानी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। एक दिन जब रानी विद्यालय जा रही थी तब उसने देखा कि रास्ते में एक पानी का नल खुला हुआ है और पानी बेकार में बह रहा है। रानी उस नल के को बंद करना चाहती थी, लेकिन वह वहां पहुंचने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। क्या आप रानी को नल तक पहुंचाकर पानी तक की बर्बादी रोकने में उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल करेंगे, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम रानी की मदद करते हैं। पहले इसको जूम करते हैं और फिर देखते हैं। देखिए रानी कैसे जाएगी, यहाँ से जाएगी रानी, यहाँ से ऐसे निकलेगी। ठीक है, फिर ऐसे जाएगी, ये नीचे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे जाएगी, यहाँ से तो रास्ता बंद है, तो चलिए यहाँ पे आए, यहाँ से फिर देखिए ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है ना।
ये देखिए बच्चों, इसका आंसर है शटर में बच्चे ने नल खोल रखा है जिसकी वजह से टंकी का पानी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, हमने भी पढ़ा था कि पानी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, बट इस बच्चे ने क्या कर रखा है, नल खोल रखा है, तो इससे क्या हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो चले चलते हैं वर्कशीट की तरफ। ये देखिए बच्चों, वर्कशीट आपकी खत्म हुई है। अब यहाँ पे देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव दिया हुआ है, बच्चों से के साथ चर्चा कीजिए कि लोग पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, मतलब हम लोग जो है वो पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे कि ये है, बच्चा जो है वो ब्रश कर रहा है उस टाइम पे हम नल बंद करके रख सकते हैं, और बर्तन धोते टाइम एक बड़े बर्तन में हम पानी भर के और बर्तन उसमें पानी में डाल के निकाल सकते हैं, तो इससे ही पानी बचेगा। बारिश का पानी इकट्ठा करके हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम सब्जी धोते हैं तो उसका पानी हम बाहर ना फेंक के पौधों में डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पानी बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ये वीडियो आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।